हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज भी एक एनिमल फिगर विद आर्मेचर मिट्टी में बना के आप लोगों को दिखाता हूँ पूरा प्रोसेस। वेलकम टू माय आर्टिक चैनल। यहाँ पे भी हम लोग GI वायर यूज करेंगे क्योंकि 5-6 इंच हाइट है छोटा स्कल्पचर, इसलिए ये सॉफ्ट जो GI वायर हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा अवेलेबल। ये GI वायर इसको इजीली बेंड भी कर सकते हाथों से हो जाएगा। तो इस टाइप का वायर लेकर हम लोग आर्मेचर बनाएंगे। इसका बैलेंस कैसे करें, देखिए यहाँ पे आगे का तरफ ऐड किया क्योंकि ये वेट जो है आगे का तरफ होगा, तो इसीलिए ये नीचे वाला जो सपोर्ट है ये मैंने आगे का तरफ किया। मेरा आर्टिक चैनल पर जाकर सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए और साइड में बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दीजिए और ऑल वीडियोस आप एंजॉय कीजिए मेरा चैनल पर। थैंक यू। तो चलिए अभी मिट्टी लगाना शुरू करते। ये कैमल का फिगर है तो पैर पतला होगा, है ना, बॉडी थोड़ा हेवी है, तो उस हिसाब से पैर में आप डबल वायर भी लगा सकते हैं। बड़ा स्कल्पचर जब करेंगे, सोचिए 5 फीट 6 फीट, है ना, तो इस टाइप का स्कल्पचर में आपको आर्मेचर रचालक वो भी आप लोगों को दिखाएंगे क्योंकि वेट का हिसाब से यहाँ पे जैसा सिंगल वायर से काम चला रहा हूँ वहाँ पे सिंगल वायर में नहीं होगा, है ना, क्योंकि उसमें थिकनेस भी ज़्यादा हो जाएगा। तो थिकनेस का हिसाब से आपको डबल ट्रिपल फोर टाइप का मतलब GI वायर जो रॉड होता है आयरन रॉड इसका आर्मेचर बनाना चाहिए, तो भी आप लोगों को धीरे धीरे दिखाऊंगा और लपेटने भी पड़ेगा इसमें वायर का ऊपर कोई नारियल जूट का जो रोफ होता है ना, कॉटन जो धागा होता है इस टाइप का कुछ जिसमें मिट्टी अच्छा से ग्रिप हो जाए आर्मेचर का साथ। तो चलिए यहाँ पे दोनों साइड अच्छा से इसको कवर करना चाहिए क्योंकि 3D स्कल्पचर में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पैर का हिसाब से ये बॉडी बहुत ही हेवी होता है तो इसीलिए बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी देखिए एक मोटा मोटी लगा के अभी इसका बॉडी जो एनाटॉमी का इसका एक बार ड्रॉ कर लीजिए जी, कहाँ पे इसका डेप्थ होगा, कहाँ पे मिट्टी लगेगा, है ना, कहाँ पे कटिंग करके निकालना पड़ेगा, तो ये ड्राइंग आप ऊपर कर लीजिए। तो एक्स्ट्रा हिस्सा को कटिंग कर दीजिए। ये क्ले में जब आप काम करेंगे इसमें बहुत आपको बहुत टाइम मिलेगा क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। आप इसको पॉलीथीन में ढक दीजिए, इसको काम जब मर्जी आप टाइम मिले तब काम कर सकते हैं। और जब कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होते ही आपको तुरंत इसका मोल्ड लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये मिट्टी का अंदर जो आर्मेचर है ये क्रैक होना शुरू हो जाएगा, तो इसको मोल्ड लेकर दूसरा कुछ मटेरियल जैसा POP हो गया, सीमेंट हो गया, फाइबर हो गया, है ना, कुछ मेटल हो गया, तो इस टाइप का कुछ मटेरियल पे आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, नहीं तो ये 100% क्रैक होगा।
ठीक है ना। अब जब काम करेंगे इस टाइप का, तो आपको साइड में कुछ इमेज रखना चाहिए। उस इमेज को आप पहले से दो चार बार ड्राइंग कर लीजिए, फ्री हैंड ड्राइंग करके देखिए, है ना। उसका कैरेक्टर देखिए, कहाँ पे कूंज है, इसका जो नेक है ये कितना लंबा है, पैर कितना लंबा है, बॉडी प्रोपोर्शन कैसा हिसाब से है। तो ये आप लोग एक बार ड्राइंग करके देख लीजिए। और ड्राइंग का ऊपर आप जो वायर का आर्मेचर बना रहे हैं, तो ये आर्मेचर उसके ऊपर रख के भी बना सकते हैं उसी साइज का, तो इसमें अंदाजा मिल जाएगा, है ना। तो ये छोटा छोटा एनिमल्स हो, कोई ह्यूमन फिगर हो जाए, तो इस टाइप का फिगर में ये आर्मेचर काफी है। मोल्डेड क्ले में भी आप लोग काम कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि वो जल्दी सूख जाता है, तो जल्दी काम खत्म करना है, क्योंकि बाद में कटिंग करना है, तो बहुत सारा ये सब मशीनरीज ये जरूरी हो जाएगा। तो फ्री हैंड के लिए सबसे अच्छा है, प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा है ये मिट्टी। जो मिट्टी आपका पास अवेलेबल है उसी मिट्टी में आप काम कीजिए, और जितना टाइम दे सकते हैं धीरे 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 इसको डिटेलिंग कीजिए, आपका काम बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा। एक बार नहीं होगा तो उसको साइड में रखिए, दूसरा स्टार्ट कीजिए, है ना। आर्मेचर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो थोड़ा उसको काट के घुमा दीजिए, बेंड कर दीजिए, है ना। ये आपका हाथों में है, तो आर्मेचर को अपना हिसाब से हैंडलिंग कीजिए। तो देखिए ये काम हो गया। आपको इससे भी अच्छा करना चाहिए, तो उसको सरफेस को देखिए, इमेज को देखिए, स्टडी कीजिए, और भी डिटेलिंग में ध्यान दीजिए, ठीक है। मेरा अपलोडेड जितना वीडियोस हैं आप लोग प्लीज़ जाकर देखिए। जो इस टाइप का काम पसंद करते हैं सबको शेयर कीजिए।